दोस्तों आईपीएल 2020 की शुरुआत में अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, लेकिन खिलाड़ियों ने खुद को आईपीएल 2020 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पांच शानदार और दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जो आईपीएल 2020 के दौरान रिटायरमेंट ले लेंगे, संन्यास की घोषणा कर देंगे। और इन पांचों ही खिलाड़ियों के लिए यह आईपीएल अंतिम आईपीएल हो सकता है। पूरी लिस्ट के बारे में पूरी तरह से विस्तार से वन बाय वन बात करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी कर रहे हैं आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इज ऑल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए हम यहाँ पर उस लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के ओपनर बल्लेबाज क्रिश गेल। क्रिश गेल की करंट एज 40 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो अभी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर जाने वाली है, यह दौरा उनके इंटरनेशनल करियर का अंतिम दौरा आने वाला है, अंतिम सीरीज होने वाली है। और इस सीरीज के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा बोल देंगे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्रिश गेल का गेम बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, उनके गेम में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2020 क्रिश गेल के करियर का अंतिम आईपीएल सीजन होने वाला है। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के इमरान ताहिर। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो रियली कम रहने वाली है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, हर मुकाबले में विकेट्स निकाल कर दिए। लेकिन इनकी एज भी फिलहाल 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान ये इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा बोल चुके हैं। और यहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके हिसाब से बताया जा रहा है कि आईपीएल 2020 इमरान ताहिर के करियर का अंतिम आईपीएल सीजन हो सकता है। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग के हरभजन सिंह। हरभजन सिंह यहां पर अपने करियर को पूरी तरह से बदल रहे हैं। पहले वो क्रिकेट खेलते लेकिन अब वो न्यूज एंकरिंग की तरफ जा रहे हैं। आज तक के साथ उनके काफी टाई अप चल रहे हैं। और यहां पर पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जो चेन्नई के होम ग्राउंड्स थे वहां पर हरभजन सिंह को खेलने का मौका मिला था, लेकिन अवे मैचेस में हरभजन सिंह का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और उनकी एज को देखते हुए साथ ही साथ उनके परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2020 हरभजन सिंह के करियर का अंतिम आईपीएल सीजन हो सकता है। उसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं मुंबई इंडियंस के किरण पोलार्ड। हालांकि उनकी एज तो कुछ ज्यादा नहीं है, केवल 32 साल है, लेकिन पिछले 5 साल से मुंबई इंडियंस के लिए किरण पोलार्ड ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस किया है। पिछले सीजन में एक पारी जरूर खेली थी 90 रन की, लेकिन कुछ खास वो टीम को करके दे नहीं पा रहे हैं। फिटनेस बहुत ही खराब हो चुकी है, गेंदबाजी वो अब करा नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि यहां पर मुंबई इंडियंस अब की बार किरण पोलार्ड को लेने से पहले काफी सोच विचार भी करे। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके हिसाब से बताया जा रहा है कि आईपीएल 2020 किरण पोलार्ड के करियर का अंतिम आईपीएल सीजन हो सकता है। उसके बाद इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी। जी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भी महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी की उनकी करंट एज 38 साल है और सभी को उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत को अलविदा बोल देंगे, लेकिन माही ने ऐसा नहीं किया। और यहां पर उसके बाद सवाल उठेगी क्या चेन्नई सुपर किंग की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। तो उसके बाद चेन्नई सुपर किंग टीम मैनेजमेंट ने ऐसा बिल्कुल साफ कर दिया कि आईपीएल 2020 में महेंद्र सिंह धोनी डेफिनेटली 100% चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले हैं, लेकिन यह सीजन महेंद्र सिंह धोनी का अंतिम आईपीएल सीजन हो सकता है। और हो सकता है कि इस सीजन के बाद वो रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट कर दे। तो दोस्तों ये है वो पांच खिलाड़ी जिनके लिए आईपीएल 2020 अंतिम सीजन हो सकता है। इन पांचों ही खिलाड़ियों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.